अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह की फजल करम शुक्र के साथ ठीक हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। इतवार का दिन है और आज मैं सोच रही हूँ कि आज हम लोग फर्स्ट टाइम जो है ना कर दिए, आज जो है मैंने अपनी वीडियो को शुरू कर दिया है और मैं किचन में हूँ और कुकिंग कर रही हूँ। तकरीबन मैंने कुकिंग जो है वो शुरू कर दी है, वो अभी आपको दिखाती हूँ। ये कढ़ाई में प्याज कटिंग करके ना डाल दिए, प्याज कटिंग करके कढ़ाई में डाल दिए और आज हम लोग बनाने लगे। ये नज़र आ रहा है आपको, ये बनाने लगे। ये हाशिम ने बाहर खाए थे, उसकी गली में एक फ्रेंड है, उसने खिलाए थे उसको सीख पे ना भून के। तो और बाबा ये चीज़ें पसंद नहीं करते, लेकिन हम लोग आज फर्स्ट टाइम ये बना, नहीं सेकंड टाइम बना रहे। बहुत पहले मैंने अपने चैनल पे इसकी रेसिपी दी भी थी, आज सेकंड टाइम बना रहे हैं हाशिर की फरमाइश पे। फर्स्ट टाइम जो मैंने अपने चैनल पे काफ़ी टाइम पहले इसकी रेसिपी दी थी और ना वो हस्बैंड की फरमाइश पे बने थे। ठीक है, चले महाराज, किचन फैला हुआ है, घर के काम हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, आधे हो रहे हैं आधे नहीं हो रहे, और संडे का दिन है और गैस जो है ना तकरीबन घूम 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 कर रही है। अब ये चले जाएगी, जब चले जाएगी तो फिर मैं स्टैंडर्ड पे बनाऊंगी। आज मैंने खाना बहुत लेट शुरू किया है, ये देख सकते हो, आज मैंने खाना लेट शुरू किया। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है नहाने धोने का टाइम था, बच्चों को नहलाना धुलाना नाश्ता, फिर आज संडे था और छुट्टी का दिन होता है और ये सब कुछ, और तो अब जाके 12 बजे जो है ना आपकी बहन फारिग हुई है, तो अब मैं किचन में आई हूँ। किचन में आई हूँ तो गैस जाने वाली है, अब क्या कर सकते हैं, किचन में आए तो गैस जाने वाली है। और चले फारिग शुरू करते हैं। चलिए, इसमें मैंने लहसुन और अदरक डाल दिया है, अब इसको भी हम लोग ना जल्दी से पीसते हैं। और यहाँ पर मैंने टमाटर भी लिए हैं और टमाटर की भी हम कटिंग करते हैं। किचन मेरा फैला हुआ, ये मेरी मेडिसिन है जो मैंने अभी खानी है, बाकी ये सब खाने का सामान है। आज खाने की बहुत देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा देर हो गई। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने पीस लिया था। चिकन की कोई भी चीज़ होती है ना, उसको अच्छे से भूनना ही चाहिए, तो इसकी भुनाई करते हैं अदरक और लहसुन में। ये उठा रही हूँ, खूब अच्छी इसकी भुनाई करेंगे अदरक और लहसुन में, खूब अच्छी खूब अच्छी खूब अच्छी। देखिए कितनी अच्छी सी ना मैंने इसकी भुनाई कर दी है अदरक और लहसुन में, काफ़ी अच्छी मैंने भुनाई की है। तो ये बस मसाले सिंपल, ये ज़ीरा मेरे पास ख़त्म हो गया, तो ये सिंपल मसाले हैं। शौक से जो ये पिसा हुआ धनिया जो नहीं होता सूखा धनिया, वो भी डाल रही हूँ, अच्छी से खुशबू आ जाएगी। बस इस तरीके से इसको भून देंगे। ज़ीरा की कमी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि मैं आपको पता है हर खाने में ज़ीरा जो है वो डालती हूँ। अच्छे से इसको कुक होने देंगे, क्योंकि इसमें एक क्रंची क्रंचीपन भी होता है ना,
तो वो क्रंचपन जो है वो अच्छा सा पक जाएगा, इसको कवर कर देते हैं ताकि अच्छे से गल भी जाए। तो जी ये हमने कर दिया कवर, फ्लेम कर दिया स्लो, अभी अच्छे से कुक होते रहेंगे, उसके बाद इसकी फाइनल हम लोग भुनाई कर देंगे। जी तो आप लोग सुनाइए कि आप लोग कैसे हैं, ठीक हैं? कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और जो है ना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और बस ये सारा है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा फुल वॉचिंग दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आप लोगों के कमेंट्स बड़े शौक से पढ़ती हूँ और शौक ही से आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई भी देती हूँ। आज संडे है और आज संडे को मैं दो ब्लॉग दे रही हूँ, एक रेसिपी तैयार कर रही हूँ और एक संडे ब्लॉग जो हम आउटिंग पे कहीं ना कहीं जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह आपको ब्लॉग इंशाल्लाह संडे का भी नेक्स्ट डे मिल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही, क्या कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ आप लोगों को इंशाल्लाह संडे का भी ब्लॉग मैं दूंगी, ठीक है? आज संडे को दो ब्लॉग बन रहे हैं। जी तो तकरीबन 7 मिनट या 8 मिनट के करीब हो गया, अब हम इसकी पोजीशन आपको दिखाते हैं, ठीक है? अब पोजीशन इसकी दिखाती हूँ कि ये कितने कुक हुए, कितने गल गए, और इसकी भुनाई भी आपके सामने ही करती हूँ। तो ये है इसकी पोजीशन, पानी अभी रहता है, फ्लेम तेज़ करते हैं, अब इसको हम भून देते हैं, ठीक है? टमाटर भी देखिए मेल्ट हो गए और 5-7-8 मिनट तकरीबन जो है इसको मैंने कुक भी होने दिए, अब इसकी हम अच्छी सी करते हैं भुनाई। तो जी मेरी माशाल्लाह से ये फाइनल लुक है जो कि आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है मेरी रेसिपी। जी डी फैमिली तो बस ये मेरी रेसिपी थी जो कि मैंने अभी आप लोगों के सामने तैयार कर दी, झटपट मैंने ये रेसिपी तैयार की है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक भी देना, सब्सक्राइब भी करना, फुल वॉचिंग देना, हो सके तो शेयर भी किया करो मेरी वीडियो को, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।